बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको तिल की लड्डू बनाने के लिए सिखाऊंगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और जो न्यू है फ्रेंड्स, सभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें फ्रेंड्स। एंड जो पुराने हैं वो लाइक कर लें फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स, एंड बेल आइकन को जरूर बजा लें फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, अभी हम तिल के लड्डू बनाने के लिए। ये देखिए, ये आधा किलो तिल है जिसे मैं जिसे ये पैन गरम हो गया है, अभी मैं इसे गरम करने के लिए शुरू करती हूँ। इसे फ्रेंड्स धीमी आंच में हम अभी इसे सेक लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी थोड़ी सिकने लगी है, इसे हम लाल सेक लेंगे सुनहरे कलर। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये सीख गई है, तो मैं इसे अब एक बर्तन में निकाल लूंगी क्योंकि ये अब सीख गई है, तो दूसरा फिर डालें। दो बार के भुनेंगे फ्रेंड्स तो अच्छी सीखती है। ये आधा किलो जब हम तिल लेंगे तो उसमें 250 ग्राम मैं गुड़ लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं दूसरा डाल दी हूँ सेकने के लिए, पहले सेक गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम सारा जो तिल था वो मैं भाज के ले ली हूँ, तो अब मैं ये देखिए 250 ग्राम 500 ग्राम तिल में ये 250 ग्राम मैं गुड़ ले ले रही हूँ, तो अब मैं इसे पिघलाऊंगी, गैस पे चढ़ा दी हूँ। ये देखिए इस तरह से सारा तिल सेक लेंगे इस तरह से। ये देखिए सुनहरे करके मैं सेक ली हूँ, अब मैं इसे गुड़ को पिघलाना शुरू करूंगी। जब तक ये पूरा तार छोड़ ना दे तब तक इसे पिघलाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए मैं कुछ चकली ले ली हूँ, कुछ पिघले हुए लिए हूँ ये गुड़, ताकि जल्दी पिघल जाए। अगर नहीं पिघलती तो इसमें थोड़े से पानी डाल के अभी मैं पिघलाऊंगी। और फ्रेंड्स इसमें जिंजर का पेस्ट डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है, और ठंडी महीना है तो जिंजर का पेस्ट काफी फायदेमंद होती है। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट डालेंगे। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं जिंजर का पाउडर डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा वाटर डाल रही हूँ ताकि वो अच्छे से पिघल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी है, तो इसमें मैं जिंजर का पेस्ट अभी नहीं है तो मैं जिंजर का पाउडर डाल रही हूँ ताकि वो बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं भी डालना चाहें जिंजर का पेस्ट तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन है। तो इस तरह से पूरा पिघला के इसके जब तक तार ना निकलने लगे तब तक इसे हम चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। फुल लॉक करके मैं इसे चलाती रहूंगी अभी। ये देखिए अभी थोड़े थोड़े उबलने लगी है,
इसी तरह से पूरा उबालते हुए इसके जब तक तार ना निकलने लगे, अभी ये तार नहीं निकला है, अभी सिर्फ उबल रहा है फ्रेंड्स। इसी तरह से उबालते रहेंगे और चलाते रहेंगे इस तरह से, नहीं तो जल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी पूरा तरह से अभी ये देखिए पिघल गया है। तो अब मैं चेक करूंगी जो इसमें निकला है कि नहीं तार। तो इस तरह से इसमें से ऐसे सटा के और इस तरह से देखेंगे जो तार निकला है कि नहीं। फ्रेंड्स देखिए, अभी ये पूरी तरह से बन गई है। थोड़ा सा और लगेगा फ्रेंड्स, अभी पूरी तरह से नहीं बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तार ऐसे इस तरह से निकलने लगे। ये देखिए तार निकल रहा है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से जब निकलने लगे तो समझेंगे हम जो ये गुड़ पक गई है पूरी तरह से। फिर इसमें हम अब तिल मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी पूरा तरह से पक गया है। तो अब मैं इसमें तिल मिक्स करूंगी सारा। जो 500 ग्राम मैं तिल ली थी और 250 ग्राम मैं वो गुड़ ली थी, तो अब मैं सारा गुड़ में तेल मिक्स करूंगी इस तरह से। और इसे इस तरह से जलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा मैं इसमें तेल डाल दी हूँ और अब इसमें सारा गुड़ मिक्स करेंगे अब तेल में इस तरह से। ये देखिए मिक्स होने लगी है इस तरह से। जब पूरा तरह से ये इसमें मिक्स हो जाएगा तो हम गरम गरम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी सारा मैं गुड़ मिक्स कर दी हूँ। तो अब इसके मैं लड्डू बना लेती हूँ। थोड़ा सा ये मैं हाथ में पानी लगा करके बनाऊंगी, क्योंकि ये देखिए क्योंकि गर्म है अभी, तो इस तरह से इसे ऐसे बनाते जाएंगे, फटाफट बना लेंगे, नहीं तो इसमें हवा लगने के बाद ये बनेगी नहीं। तो इस तरह से गोल लड्डू सारा तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़े ठंडे हो गई हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इसे गरम गरम ही बनाया जाता है। अगर ठंडी हो जाए तो ये इस तरह से चिपक जाती है। तो अगर आपको चिपक जाए तो इसे गैस पे फिर से गरम करके आप बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं चिपक गया था तो इसे मैं गैस पे गरम करके ये कर ली हूँ। अब मैं इसके फिर लड्डू बना लूंगी, तो वेस्ट नहीं होती है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा तिल का लड्डू बनके तैयार हो गया है। मैं कुछ कुछ दूसरे डिजाइन भी बना ली हूँ। आप जैसा इसे आकार देना चाहे वैसा आकार दे सकते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए, मैं कुछ छोटे कुछ बड़े लड्डू बनाई हूँ। छोटे बनाई हूँ जो कि मेरे बच्चों को स्कूल में भी देने का रहता है, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ बांटते हैं। तो मैं थोड़े छोटे छोटे भी लड्डू हैं, ये देखिए मैं बनाई हूँ। ये छोटे छोटे भी लड्डू बनाई हूँ इस तरह से, जो बच्चों के स्कूल में बांटने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अलग अलग डिजाइन के बनाई हूँ। ये देखिए, ये देखिए अलग अलग डिजाइन से मैं बना के तैयार कर दी हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको तिल की लड्डू पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें फ्रेंड्स। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। आपका सपोर्ट ही हमें, मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी, आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम दोनों आगे बढ़ सकें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये
देखिए कितनी अच्छी लड्डू बनी है, आप भी बना के ट्राई करें फ्रेंड्स, तिल की लड्डू। और इसका गुड़ जो हम पिघलाते हैं, इसे पूरी तरह से तार अगर निकल जाए तभी ये लड्डू बनेगी, अगर तार नहीं निकली तो वो लड्डू बनेगी नहीं। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई करें। हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू फ्रेंड्स।